उन परिस्थितियों में रात दिन घर द्वार छोड़ करके 40 वर्ष से इसका रहने का रहता हूं। 12 बजे रात को भी कोई कौन नहीं सकता कि मैं गया था सुधाकर सिंह के यहाँ और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और टेलीफोन नहीं किया। ये मेरे व्यक्ति साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ने को भी तैयार हूँ। लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं किया। ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा किया। आज चारों लोग जो टिकट पा गए हैं मऊ जिले में, चारों पार्टी के मेंबर रही, चारों पार्टी के मेंबर रही है कि मान लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, चाहे मधुबन से जो पाए हो, अभी एक साल पहले पार्टी में आए हैं, घोसी में जो पाए हैं वो एक दिन पहले आए थे, टिकट बिहार भले ले लिए, और इस 7 पार्टी भारत में हो चुकी है, जितने दल हैं उतनी पार्टी उनकी हो चुकी है, दोहरा रहे हैं। तो घोसी की जनता, हमारी आपसे अपील है और निवेदन है, हम दुखी नहीं है कि मेरा टिकट काटा गया, दुखी हम इस बात के हैं कि घोसी की जनता का अपमान किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सुधाकर सिंह आज घोसी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने अपने घोसी के जनता से अपील किया कि चारों विधानसभा क्षेत्र में बाहरियों का ही आगमन है, इस बीच बाहरियों को टिकट देना कहीं न कहीं जनता का अपमान है। 40 साल के कामों को उन्होंने समाजवादी पार्टी का काम बताया। पति बागी तेवर दिखा दिया, क्यों ये करना पड़ा? हमने बागी तेवर कहाँ दिखाया, हमने तो कहा कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव हमारे नेता है, नेता हमारे हैं दोनों, और प्रत्याशी को तभी जानता ही मैंने, कहाँ से आए हैं कैसे है। आपने ऐलान किया कि कुछ हो जाए बाहर से आए इनको खदेड़ा, तो बाहर से जहल होते के ना खदेड़ा करेंगे, और खोजी आप लोग बाहर से के आ रहे हैं, क्या होगा चुनाव में, आप क्या सोच रहे हैं? अब तो कह दिए कि सपा के नेताओं को नहीं देना है, जो लोग आए प्रत्याशी बन के किसके साथ जा रहे हैं? नहीं, सपा का तो देना ही है, जो सपा का नेता नहीं है, जो मैंने कहा है कि चौनिया मेंबर भी नहीं है, उसको नहीं देना है। सिंबल तो वही हाथी का लेके आ रहे हो, साइकिल का लेके आए हैं? सिंबल अलग चीज़ है, चौनिया मेंबर अलग चीज़ होता है, पार्टी का कोई चौनिया मेंबर भी ना हो तो उसको पार्टी का कैसे मान लेंगे आप? तो बगावत ही हुआ ना यार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजे हैं उनको अपना साइकिल दे करके, और आप कह रहे हैं उनको वोट नहीं देना। अब इसको पता करना पड़ेगा किसको चुनने जा रहे हैं आप, ये तो घोसी की जनता और मधुबन की बताएगी, हम अकेले थोड़े चुन देते तो अपना ही नहीं हो जाते। ये कार्यक्रम करने का मकसद क्या रहा, इतने लोगों को बुला करके सभा करना, उनके बीच में संदेश देना, मतलब क्या रहा कार्यक्रम? हम तो अभी आज आए हैं, हम जब भी साल दो साल पर आते हैं, चाहे हर साल एक बार हम कार्यक्रम करते हैं, अत्याचार हो, जुल्म हो, पुलिस के खिलाफ हो, ये तो कार्यक्रम हमारा चलता ही रहता है। ये कार्यक्रम सामान्य नहीं था, आपने यहाँ दारा सिंह चौहान है, आपने सीधे कहा कि उनको वोट नहीं देना है, उनका जमानत जब्त करवाना है, कहता है दारा का नाम लिया है। आखिर आपकी ढबढबा करके कुछ और संदेश देना चाह रही थी, लेकिन क्या वजह रहा कि उस संदेश को आपने रोक लिया? आप सब चीज के जानकार खुद हैं तो उससे हमको काहे के पूछ रहे हैं? नहीं, जनता जानना चाह रही थी कि आपने जो लोगों को बुलाया था उनको क्या संदेश देना था, लेकिन छुपे छुपे बातों में आपने संदेश दिया, लेकिन कुछ जनता समझ नहीं पाई कि हम लोग आने का मकसद क्या रहा। हर व्यक्ति अब समझदार है, अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? अब तो कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, 30 तारीख तक जब तक चुनाव होगा समाजवादी पार्टी में हमको रहना है। आगे यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया, सम्मान दिया, तो फिर देखा जाएगा।
अभी आपने कहा कि हमारे अध्यक्ष जी समय अखिलेश जी से मिलना चाहा लेकिन वो भागते रहे, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अभी आपकी कहीं ना कहीं अभी सपा से लगाव खत्म नहीं हो रहा था, इतना आपको प्रताड़ित करने के बाद भी 40 वर्ष का संबंध इतना जल्दी खत्म थोड़े होता है। तो क्या इसी तरह से आपको बार बार ठोकर मिलता रहेगा? इसके बाद अभी बीच में जो मध्यावधि चुनाव हुआ था उसमें भी आपका सिंबल डिस्टर्ब कर दिया गया, सिंबल देख के काट दिया गया, तो क्या इस तरह से आपको बार बार ठेस देती रहेगी पार्टी तभी उसकी सेवा करेंगे? अब तो उसके आदि हो चुके हैं, बार बार ठेस देते हैं लोग, हम लेते हैं। तो कैसे जनता की सेवा करेंगे? जनता आपके पास आती है तो यदि आपके पास बल नहीं रहेगा, आपके पास शक्ति नहीं रहेगी, चाहे आपके पास उतना पावर नहीं रहेगा, तो कैसे जनता की सेवा करेंगे, कैसे अधिकारी? इसका फैसला भी जनता कर देगी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सपा जो दारा सिंह चौहान को जो मिला है टिकट, कहीं ना कहीं बगावत की घड़ी दिख रही है कि आपने कह दिया कि ये वोट जो होगा उनके खिलाफ होगा। नहीं, मैंने कहाँ कह दिया खिलाफ होगा? बार बार किसी व्यक्ति का नाम क्यों ले रहे हैं? आपने तो कह तो दिया कि जमानत जब्त होगी जो पार्टी के अभी तक जो पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन सिंबल तो है उनके पास। पार्टी के मेंबर होंगे तो तब तो ठीक है, मेंबरे जो नहीं है, बुनियादे नहीं है, तो खाली दाखिल कौन इस चीज़ को हुई? लेकिन सुधाकर सिंह जी ने ऐलान तो कर दिया कि साइकिल एक गद्दी नोच दीजिए। कहाँ कहा आपसे? अब जमानत जब्त करवाना मतलब क्या हुआ? जनता को मैंने कहा। बहुत शुक्रिया।